सर हम है 2019 में, बीच में गोमती नदी के बीच बहुत कुछ बदला है। 95 का गेस्ट हाउस इंसिडेंट लीजिए, मुलायम सिंह जी और मायावती के बीच में जो लगातार टकराव हुआ, बसपा और सपा के काडर के बीच में जो टकराव हुआ, आज आप कह रहे हैं कि विचारों की लड़ाई है, लोहिया और अंबेडकर साथ आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता क्यों माने? जनता को मानना पड़ेगा ना, आप आपके कहने से नहीं होगा, जनता क्या मानेगी? जो एवरेज जो समाजवादी पार्टी का जो आम वर्कर है, बसपा का वर्कर है, वोटर है, वो क्यों मानेगा? मैं फिर कहता हूं, मैं आदरणीय मायावती जी का धन्यवाद देता हूं, उन्हें बधाई देता हूं कि उन्होंने इस गठबंधन को स्वीकार किया। और वहीं जो बात आप गेस्ट हाउस की लड़ाई पर लेकर के जा रहे हैं जी, ये भारतीय जनता पार्टी की भाषा है, ये गेस्ट हाउस की भाषा भारतीय जनता पार्टी की है। वो याद दिला रहे हैं और वो अपना याद भूल गए। सोचिए उनके कैबिनेट मंत्री ने कितना कुछ सुनाया उनको, क्या वो गठबंधन नहीं कर रहे? इसलिए मैंने कहा कि विचारों का संगम है ये, उन ढाई लोगों को हटाने के लिए जिन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। कभी आपने सोचा, आपने ये बात कही कि गोमती में बहुत पानी बह गया, आप ये क्यों नहीं कहते हो कि गंगा मां जिसने बुलाया था बीजेपी के लोगों को, वो कितनी गंदी हो गई, कितनी गंदी हो गई, उसको बताइए आप। कहीं ना कहीं ये जो विचारों का संगम है, इसमें नेताजी भी शामिल है कि नहीं, कि ये केवल अखिलेश जी और मायावती जी के बीच में विचारों का संगम है? लेकिन नेताजी इसीलिए नेताजी हैं कि वो भी शामिल हैं। पर वो कहते तो कुछ और है, पार्लियामेंट में आके कहते हैं, मोदी जी दूसरी तरफ बैठे और वो कहते हैं मोदी जी को मैं चाहता हूं कि आपकी 5 साल आप ही प्रधानमंत्री रहें। फिर जब लखनऊ में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसके बाद वो कहते हैं मुझे नहीं लगता ये गठबंधन चल पाएगा। ये क्या है, नेताजी और आपके बीच कोई लड़ाई है या ये विचारों की लड़ाई, किस तरह से देखते हैं? देखिए जिस इस बार लोकसभा में मैं नहीं था, पिछली बार तो लोकसभा में मैं भी था नेताजी के साथ। और अगर आज का जमाना ये है कि पुरानी बातें भूल गए हों, मैं तो कहता हूं कि वो आर्काइव्स में निकालिए स्पीच नेताजी की। क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को नहीं उन्होंने बधाई और आशीर्वाद दिया था, क्या वो वापस आ गए? नहीं तो नेताजी सबको इसी तरह से आशीर्वाद देते हैं। उनका आशीर्वाद मुझसे ज्यादा कौन जानता होगा कि वो ऐसा आशीर्वाद देंगे कि हम ही जानते हैं क्या होगा। नहीं, ये नेताजी ने पूरी तरह से इस गठबंधन को आशीर्वाद दिया है या नहीं, मैं उनका आशीर्वाद मैं जानता हूं, इसलिए आशीर्वाद पे अब चर्चा नहीं करूंगा।